गोगुंदा होटल एसोसिएशन एवं व्यापार संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एनएस 27 पर स्थित होटल में आगजनी करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गोगुंदा स्थित खाकड़ी में एनएच 27 पर स्थित शिव शक्ति होटल पर कुछ दिनों पहले 3 लड़कों ने होटल के बिल को लेकर कर्मचारियों से मारपीट की थी। होटल संचालक मनोहर लाल तेली ने उन लड़कों धर्मेश प्रजापत, गोपाल वाल्मीकि और किशन प्रजापत से समझाइश कर मौके से रवाना कर दिया था, लेकिन उन्होंने होटल के निकलते वक्त संचालक और कर्मचारियों को धमकी दी थी। वापस सुबह करीब 3 बजे होटल में जबरन घुसकर आग लगा दी थी, जिससे होटल में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। ऐसे में आज व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलवाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। और अभी वर्तमान में हमारा प्रतिष्ठान गोगुंदा मार्बल व्यापारी भी हूँ और हमारे गोगुंदा क्षेत्र में आए दिन ये गैंगवार चलती रह रही है और पुलिस भी सक्रिय है इसमें। फिर भी पुलिस की आंखों में जोक डालते हुए ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, विगत 28 तारीख की बात है, हमारे मनोहर जी हैं, उनकी जो होटल प्रतिष्ठान हाईवे पर खाकड़ी के पास, उस खाकड़ी खाना खाने 2-4 युवक आए थे। खाना खाने के बाद 600 रुपए का बिल थमाया उनको हाथ में, तो उसके उपरांत उन्होंने बिल नहीं देने को लेकर 2-5-10 जनों को उनकी गैंग को फोन किया। गैंगवार बाहर होटल के बाहर खड़ी थी और उन्होंने होटल में आगजनी कर फैला दी और धमकी भी दी, होटल चला के देखना। इस तरह हम आम व्यापारियों में इस तरह से रोष है